तो पावर बीआई के अंदर मैंने डेटा लोड कर लिया है। अब मुझे यहां पे जो चार्ट लगाना है वो लगाना है हमारा कॉलम चार्ट। तो यहां से हमने कर्सर कॉलम चार्ट को लिया, लेने के बाद साइज अपने हिसाब से रख लिया। उसके बाद मैं यहां पे अपनी लगाना चाहता हूं, तो मुझे जो लगाना है वो लगाना है आपका सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स। तो मैंने सेगमेंट को उठा के यहाँ पे ड्रॉप किया, जैसे यहाँ पे ड्रॉप किया ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे चला गया। उसके बाद सेल्स को हमने यहीं पे लगाइए, तो ये आपका वाई एक्सिस में हुआ, एक्सिस में चला गया सेगमेंट, वाई एक्सिस में चला गया यहाँ पे। ये सम है, सम की जगह कोई और कैलकुलेशन करनी है तो पिवट टेबल की तरह यहाँ पे सारी कैलकुलेशन सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम है। उसके बाद मुझे यहाँ पे मान लीजिए कुछ वैल्यू वगैरह रखना है, तो यहाँ एनालिटिक्स के अंदर में बहुत सारे से कॉन्सेप्ट है, मिनिमम एवरेज लाइन, मिडियन लाइन, एरर स्पार्स, परसेंटाइल लाइन, आप यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसको छोटा बड़ा साइज रिसाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ फोकस मोड होता है तो ये पूरा का पूरा बड़ा दिखेगा, बैक करेंगे तो छोटा दिखेगा। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर जाके हम जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कॉलम्स की फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ग्रीन करना चाहता हूँ, तो मोर कलर पे जाके मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया और जो कलर चाहिए वो कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यूज है वो दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ जनरल में ही आपको दिखेगा डेटा बार्स, यहीं पे कॉलम्स उठाइए, यहाँ पे डेटा लेबल्स, डेटा लेवल से क्लिक कीजिए, आपके पास डेटा लेवल आएगी और डेटा लेवल की अपनी एक फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू की साइज थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं तो मैं यहां से बढ़ा सकता हूं। ये थी हमारे पावर बीआई में कैसे हम विजुलाइजेशन लेते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। आपको डिटेल में पावर बीआई सीखना है तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जो कि लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिव चलती है। तो फटाफट मेरा नंबर पे कॉल करें, नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, मेरे नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट को बुक करें। हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है जल्दी। थैंक यू।